हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ मैथ्स का ज्ञान। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इंटीजर। एक इसका जो स्टार्टिंग टॉपिक है हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं, आप उनको जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा आज का एक क्वेश्चन लिया हमने अपनी बुक से, मैथ्स के बुक से, इंटीजर का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर, आपको पेयर दिए हैं और इनके बीच के इंटीजर आपने लिखने हैं कि इनके बीच में जो इंटीजर है वो कौन से होंगे। जैसे माइनस फोर एंड फोर है, माइनस फोर के बाद क्या आता है, माइनस फोर से पहले क्या आता है आपका माइनस थ्री, फिर माइनस टू, माइनस वन, फिर आपका आएगा जीरो, फिर आएगा वन, टू एंड थ्री। बिटवीन की बात आ रही है, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच में जो डिजिट है हमने केवल उनको लिखना है। तो आपके हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आपकी कितनी डिजिट होंगी यहाँ पे, सेवन इज योर आंसर। ठीक है, फिर दूसरा बी ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम बी क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, जीरो से माइनस सेवन तक आपने इनके बीच में जो इंटीजर है वो लिखने हैं। तो जीरो से माइनस सेवन अगर हम बात करें, माइनस सेवन से आते हैं पीछे से, तो माइनस सेवन के बाद आता है माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन। ठीक है, जीरो आपका यहाँ पे दिया है, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, टू टू फोर एंड सिक्स, तो आपकी सिक्स डिजिट, तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो किसी भी अगर आपको कोई भी इंटीजर दिया है उनके जहाँ पे बिटवीन अगर लग जाता है, तो बिटवीन का मतलब है आपने को जो डिजिट दे रखी है उनको छोड़ के जो उनके बीच के डिजिट हैं आपको केवल उनको ही क्या करना है, फोकस करना है, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद एक डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी माइंड में कैलकुलेशन करके अगर वन वर्ड आंसर है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर लाइन के बी, जैसे ये नंबर लाइन है, ये क्या है आपकी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में जैसे कि मैंने बोला मिडिल पे हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। सपोज मैंने कहा टू एंड नाइन है, क्या है आपका टू एंड नाइन, आपको कोई एक पेयर दे रखा है। इस पेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पेयर में आपको बताना है कि नंबर लाइन में राइट साइड में कौन है, नंबर लाइन में राइट साइड में कौन है। तो आपका यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू आ गया, थ्री फोर फाइव सिक्स, हम पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, सेवन एट एंड नाइन। हम थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनस को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं है कि माइनस का अगर हमारे पास पेयर नहीं है तो हम माइनस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, माइनस में हम हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ डिजिट को ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। तो आपको बताना है कि राइट साइड में कौन से, अब देखिए टू यहाँ पर है, राइट साइड इधर है, तो ये नाइन तक, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सेवन नंबर हमारे यहाँ पे आ जा रहे हैं कि राइट साइड में कौन है। या सिंपली अगर हाउ मेनी नंबर्स पूछे हैं कि कितने नंबर बाद आपका राइट डिजिट आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, सेवन। या अगर आपसे पूछा गया है कि टू एंड नाइन में से नंबर लाइन में राइट साइड में कौन है, तो राइट साइड में कौन है आपका, नाइन है। राइट साइड में कौन जा रहा है हमारा, नाइन जा रहा है। सपोज मैंने कहा माइनस टू एंड थ्री में से आपका राइट साइड में कौन है, माइनस टू इधर है और थ्री इधर है, तो राइट साइड में कौन है हमारा आंसर, थ्री है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, डिजिट के बीच की, इस तरीके से आप इनके बीच की जो इंटीजर्स है उनको निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर लाइन में राइट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, आपके बीच क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका इंटीजर्स को सॉल्व करना, ठीक है, नंबर लाइन में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।